टाटा मोटर्स ने अपनी पुणे फैसिलिटी में बड़े पैमाने पर मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य शुरू किया और ग्रीन प्रौद्योगिकी और गतिशीलता समाधान की दिशा में एक और कदम उठाया। टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित बस को हरी झंडी दिखाई। इसके उपयोग पर आगे निर्णय लेने से पहले बस कुछ समय के लिए परीक्षण के अधीन होगी। नई हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित टाटा स्टारबस भारतीय जन परिवहन के लिए एक क्रांति हो सकती है, क्योंकि इंजन का एकमात्र उत्पाद वाटर और हीट है। हाइड्रोजन को कंप्रेस्ड रूप में संग्रहित किया जाता है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए हवा से ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और केवल उत्सर्जन के रूप में जल वाष्प देता है। इस बिजली का उपयोग बैटरी को बस के मोटर को चार्ज करने के लिए किया जाता है। फ्यूल सेल्स ढेर बनाने के लिए कई फ्यूल सेल को मिलाया जाता है, जिसे बस के रेयर मॉड्यूल में रखा जाता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, इसका कोई शोर भी नहीं होगा। कंपनी ने स्टारबस इलेक्ट्रिक 9 मीटर्स, स्टारबस इलेक्ट्रिक 12 मीटर्स और स्टारबस हाइब्रिड 12 मीटर्स श्रेणी की बसों को लॉन्च किया, जिन्हें वैकल्पिक ईंधन द्वारा डिजाइन, विकसित, संचालित किया गया और भारत में बनाया गया। कंपनी का कहना है कि स्मार्ट शहरों के लिए अच्छी होगी। शहर के आवागमन के लिए हाइड्रोजन पावर्ड स्टारबस फ्यूल सेल बस एक जीरो एमिशन मास ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन है और इसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय निर्माता ने इस दिशा में कदम उठाया है। टाटा स्टारबस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर सिस्टम है, जो 114 हॉर्स पावर बनाता है और एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर जो 250 हॉर्स पावर बनाती है। 800 RPM पर कुल टॉर्क 1050 Nm है। बस में 30 यात्री बैठ सकते हैं। स्टैंडर्ड बसेस में ट्रेडिशनल कंबस्टन इंजन रासायनिक ऊर्जा को शक्ति में परिवर्तित करने में 20% से कम एफिशिएंट होते हैं, जबकि स्टारबस फ्यूल सेल 40% से 60% एफिशिएंसी प्रदान करता है, यानी 3 गुना अधिक। स्टारबस फ्यूल सेल फ्यूल कंसम्पशन में 50% की कमी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के साथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के लिए सबसे बड़े सिंगल ऑर्डर के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। देश में पहली बार टाटा मोटर्स और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाइड्रोजन संचालित ऑटोमोबाइल बस को कई वर्षों के अनुसंधान के बाद विकसित किया गया है।